The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hu Dr. Paramjeet. आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। दोस्तों आज हम बात करेंगे रमज़ान की। रमज़ान शुरू हो गया है, शुरू हो रहा है और इस सीज़न में रमज़ान में डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को, कई लोग को ये जानना ज़रूरी है कि रमज़ान के बीच में डॉक्टर पेशेंट्स और पेशेंट्स के हेल्थ के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, क्या रिस्क हैं, किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो ये एक सीरीज़ होगी, शॉर्ट सीरीज़, दो तीन वीडियो हम बनाएंगे रमज़ान के ऊपर। तो आपको इन चीज़ किन बातों का ध्यान देना है, देखिए रमज़ान का टाइम बहुत ज़रूरी इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हमारे मुस्लिम दोस्तों के लिए और इसमें वो कई ऐसी आदतों, कई ऐसे बिहेवियरों से नहीं करते हैं, बचते हैं, राइट। सुबह सूरज उगने और सूरज डूबने से पहले, राइट, डूबने के बीच में सूरज उगते हैं और सूरज फ्रॉम डस्क, फ्रॉम डॉन टू सनसेट, राइट। सो ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है उनके लिए और इस चीज़ से काफ़ी सारे इमोशंस, काफ़ी सारी स्पिरिचुअलिटी इंक्लूडेड है, काफ़ी सारे बेनिफिट्स, रिलीजियस, स्पिरिचुअल, पर्सनल और हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट कुछ रिस्क भी होते हैं जिसको आपको समझना है। ऑब्वियसली बॉडी में चेंज आ रहा है तो बॉडी में कुछ बदलाव आएगा। सो यही बात के बारे में हम बातचीत करेंगे और ये बहुत इम्पॉर्टेंट टाइम है, राइट। इसमें हर एक मुस्लिम को रमज़ान करनी चाहिए होती है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ सब ग्रुप होते हैं जिनको एग्जेम्प्ट किया जाता है, जिनको अलाउ किया जाता है कि वो ना करें। अब जो हर एक की समझ थोड़ी अलग होती है, जो हमने रिसर्च किया उसके हिसाब से वो कहते हैं कि जो बीमार हैं, जो प्रेग्नेंट हैं, वो भी अगर सोचते हैं कि हम प्रेगनेंसी में ना करें तो हमारे बच्चों को नुकसान ना हो तो वो एग्जेम्प्ट किए जाते हैं। जो एक्चुअली फ्रेल हैं, जो बहुत कमज़ोर हैं, जो एक्चुअली अगर मान लीजिए जिनके मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहे हैं, कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं तो बट देर इज़ अ रिकमेंडेशन कि कुछ लोग, जो लोग के जान को खतरा हो सके, हो जाए अगर वो करते हैं, कुछ क्रोनिक डिजीज़ हैं तो वो ना करें। तो ये कुछ एग्जेम्पशंस होते हैं, ठीक है। बट देन फिर भी कई मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, कई हमारे दोस्त ऐसे होते हैं जो कुछ भी हो हम तो करेंगे। सो वो करते हैं, वो करते हैं इन स्पाइट ऑफ वट एवर इट इज़, चाहे उनकी क्रोनिक कंडीशन हो, चाहे उनको डायबिटीज़ हो, चाहे उनको हार्ट डिजीज़ हो, चाहे उनको इंसुलिन डिपेंडेंट हो, चाहे उनको कोई और बीमारी हो जिसके लिए दवा का डोज ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो फिर भी उस दौरान वो दवा नहीं लेते। तो ऐसा बहुत बार होता है डॉक्टरों के साथ भी कि वो उन चीज़ को समझ के उनको ट्रीटमेंट रिजीम चेंज करनी पड़ती है ताकि वो पेशेंट को जितना हो सके सेफ्टी में लेके आ सके। तो इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि क्या इसके बेनिफिट है, क्या इसके रिस्क है। बेनिफिट क्या है? जी हाँ, बेनिफिट है, बहुत बेनिफिट है। देखिए इस दौरान वो खाने से, पीने से, कोई भी किसी प्रकार की स्मोकिंग से और किसी प्रकार के पीने वाले बेवरेज से, पीने की चीज़ से आप दूर रहते हैं, राइट। और ये सुबह डॉन से लेके सनसेट तक आप रहते हैं और पूरे 30 दिन तक रहते हैं। मैरिड कपल सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करते हैं, राइट, और दिन भर में दो ही बार खाना खाते हैं, एक तो वो सुबह सुबह, एक तो वो सूरज डूबने के बाद खाते हैं, सूरज डूबने के बाद वो इफ्तार कहलाता है, और एक सुबह सुबह खाते हैं जहाँ पर वो उसे सुरूर या जो आप उसे सहरी कहते हैं। तो इसमें बेनिफिट क्या होता है? बहुत सारे बेनिफिट्स हैं एक्चुअली। इसमें क्या है, स्पिरिचुअली, राइट, रिलीजियसली और फिजिकली भी आपको काफ़ी हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं अगर आप इसे सही तरीके से, सही मन से और सही गाइडेंस में करें तो। ये बहुत बड़ी बात है, राइट। और इसमें क्या है कि आपका जो बिलीफ है, आपका जो रिलेशनशिप है एक उस बिलीफ के साथ, खुदा के ऊपर, अल्लाह के ऊपर, वो बढ़ता है। आपका रिलेशनशिप के साथ आपका सेल्फ रिफ्लेक्शन, आपकी जो इमेज है आपके मन में, आपकी अल्लाह के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो बढ़ती है। आप दूसरों की हेल्प करना सीखते हो। तो देर आर वेरी गुड मैसेजेस
आप लोगों के लिए बहुत अच्छे ये हैं, उसमें आप सेल्फ कंट्रोल सीखते हो, आप दूसरों की मदद करना सीखते हो, साथ में रहना सीखते हो, तो बहुत अच्छी मैसेज इसमें दिए जाता है। लेकिन द पॉइंट इज हियर कि कई लोग इसमें ये भी सीखते हैं कि अपनी लाइफस्टाइल को कैसे चेंज करें, अपने लाइफस्टाइल को बदलना सीखते हैं, राइट, और ये भी सीखते हैं कि वजन कैसे कम करें। अगर आप रेगुलरली इसको अच्छे से करते हैं और ये सीखते हैं, तो आप सेल्फ कंट्रोल ये भी सीखोगे कि साल में एनुअली आप एक महीना अपनी डाइट रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, उस एक महीने में आपका शुगर कंट्रोल, आपकी वेट कंट्रोल, आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ये सब अच्छा बेहतर होता है। इसे आगे भी आप खींच के मेंटेन कर सकते हैं। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो स्मोकिंग छोड़ देते हैं, तो उसे वो बहुत अच्छा समय है ये स्मोकिंग से निजात पाने का, अब स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ देने का। सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, आइडियल टाइम बल्कि इसको मैं कहूँगा, काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो रमज़ान से आते हैं। लेकिन कुछ रिस्क भी है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ लोग जो एक्चुअली बीमार हैं, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं है, लेकिन उनको सपोर्ट की, खाने की या उनको दवा की ज़रूरत है, और वो फिर भी रमज़ान करते हैं, सो उनके लिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं, कुछ चीज़ों से उनको बचना है। क्योंकि अगर वो नहीं इस चीज़ को समझेंगे तो बहुत ही आसानी से शुगर के पेशेंट्स, डायबिटीज़ के पेशेंट्स और हार्ट डिजीज़ या क्रोनिक डिजीज़ के पेशेंट्स या एक्चुअल इन्फेक्शन बीमार पेशेंट्स जो हैं, वो एक सिंपल डिहाइड्रेशन से लेके हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर बहुत कम हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, कोमा, डायरेक्ट हॉस्पिटल जाने तक वाली बात में पहुँच सकते हैं। कई लोगों को ऐसा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, राइट, हर एक को नहीं होते, जिनको होते हैं उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। रिकमेंडेशन क्या कहती है कि भाई डिसीजन आपका है, राइट, आपको करना है कि नहीं करना है डिसीजन आपका है, लेकिन करने से पहले आप एक बार अपना मेडिकल प्री रमजान मेडिकल असेसमेंट करा लें। मेडिकल असेसमेंट से हमें इतना आइडिया मिल जाएगा कि आपकी बॉडी में उस पर्टिकुलर एक इस चीज़ को, फास्टिंग को करने के पहले क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो एक डॉक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिकमेंडेशन मिल जाएगी, ताकि जो रिस्क हो सकते हैं वो मिनिमम हो जाए और सब कुछ सेफली हो, और ना सिर्फ सेफली, आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकें। और जो चीज़ों के और ध्यान का आप रखना है, जो लोग रख रहे हैं फास्ट, उनको सबसे बड़ी चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है पानी, डिहाइड्रेशन। क्योंकि रमज़ान ज़्यादातर गर्मी के मौसम में होता है, और गर्मी के मौसम में अगर आपने पानी का ध्यान नहीं दिया तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम यही है जो सबसे पहले आता है, डिहाइड्रेशन, जिससे आपको हेडेक से लेके सीवियर प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। इसके लिए, इसको अवॉइड करने के लिए हर पेशेंट को एजुकेट करना ज़रूरी है कि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और ये इफ्तार से लेके सहरी सुरूर तक आपको अच्छी मात्रा में, एम्पल अमाउंट में पानी का इंटेक करना है, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसमें आप जो रेगुलर अपनी मात्रा है 3-4 लीटर तक पानी आप ज़रूर पियेंगे। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, जो वेजिटेबल्स हैं, जो हाई जिसमें पानी ज़्यादा है, वो ज़्यादा खाएंगे। और आपको ध्यान रखना है कि जो डाइट आप ले रहे हैं वो भी वेल बैलेंस्ड हो। बैलेंस्ड डाइट का मतलब है बहुत ज़्यादा नमक नहीं खाना है, बहुत ज़्यादा सॉल्टी फूड या बहुत ज़्यादा मीठा। अगर आप बहुत मीठा, बहुत सॉल्टी खाएंगे तो आपकी बॉडी में जल्दी भूख लगने लगेगी, बहुत ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, राइट, आपकी डायबिटीज़ बिगड़ सकती है, आपका अंदर सॉल्ट ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, और ज़्यादा सॉल्ट हो जाने से फ्लूइड रिटेनिंग, आपके अंदर फ्लूइड रिटेन हो सकता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, हाइपरनाइट्रीमिया, राइट, सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं सॉल्ट ज़्यादा लेना या शक्कर ज़्यादा लेने के। तो क्या ज़्यादा लेना है आपको? आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, आपको हाई फाइबर डाइट लेना है। जब आप ले रहे हैं, आप इफ्तार से लेकर सहरी तक बीच में जब भी खा रहे हैं, आपको हाई फाइबर फूड खाना है, राइट, आपको लो सॉल्ट फूड खाना है, और ऐसे फूड खाना है ज़्यादा जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, वो ज़रूरी है, राइट, और स्लो एब्जॉर्बिंग फूड ज़्यादा बेहतर है, राइट, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और जो लोग एक्सरसाइज करना चाहते हैं इस दौरान, उन्होंने कब करनी चाहिए? इफ्तार के बाद करनी चाहिए, रात में एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह ना करें। सुबह करेंगे तो आपकी जो ऑलरेडी खाई हुई, या दोपहर में करेंगे, रमज़ान के टाइम पे करेंगे, तो डिहाइड्रेशन से लेके हाइपोग्लाइसीमिया, ऐसे सिम्टम्स, ऐसे प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे। सो ये कुछ बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पहले मेडिकल एग्जामिनेशन करवा लीजिए, हेल्थ चेकअप कराइए, टेस्ट भी ज़रूरी हो सकते हैं। डिहाइड्रेशन का ध्यान रखिए, फाइबर ज़्यादा खाइए, नमक और शुगर
सिंपल सॉल्ट, सिंपल शुगर, जंक फूड ज़्यादा नहीं खाने हैं बिल्कुल भी, और एक्सरसाइज करें तो रात को करें। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने ध्यान देना है रमज़ान के टाइम पे। और भी कई बेसिक वीडियोस हम इसमें बनाने वाले हैं डाइट के और इस डिहाइड्रेशन को ऊपर एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस देते हुए। सो इस वीडियोस का आप इंतज़ार करें। रमज़ान की आप सबको शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। सारे मुस्लिम दोस्तों को गुड लक, और हमारे तरफ से बहुत बहुत दुआएं। अल्लाह आप पे मेहरबान रहे। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।